अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके भी बड़े बड़े सपने हैं और आप उन्हें नामुमकिन मानते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। सो हेलो गाइस, दिस इज अर्जुन यादव, थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एम्स पटना। आज हमारे साथ हैं सौरभ चौहान, 2020 बैच के छात्र, जिन्होंने न केवल नीट क्लियर किया बल्कि अच्छे अंकों के साथ नीट क्लियर किया और इस समय एम्स पटना में 20 बैच के छात्र हैं। बचपन में जो लोग सोचते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज इन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है। सो चलिए आपको मिलाते हैं सौरभ से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ एम्स पटना में, और मैं गाँव कोलारा खुर्द आगरा का निवासी हूँ। कभी आपने सोचा था कि आपको डॉक्टर बनना है? देख, डॉक्टर बनना तो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा तो अलग ही कुछ था, मेरा तो ये था कि अपनी 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाए बस बड़े होके, और उसी में अपना खुश रहना था। ऐसा डॉक्टर का तो कभी नहीं सोचा था, ये तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी उनके कारण बनना पड़ा। तो आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए। देखिए, बचपन तो बहुत मज़ेदार रहा है। मेरे पिताजी हैं जो थोड़े मेरे किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और हमारे घर में मतलब ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब सबसे पहला ग्रेजुएट हम और मेरे भाई बहन हैं, और हमसे पहले मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं था घर में। मम्मी तो मेरी इतना है कि उनको नाम लिखना भी नहीं आता अपना। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था शुरू से, तो मैं स्कूल भी कभी जाता था, गाँव में स्कूल था तो वहीं जाता था, कभी नहीं जाता था, मन ही नहीं करता था, तो ये सब होता था। लेकिन घर वाले फिर भी ज़बरदस्ती, फिर उन्होंने क्या किया कि मेरा जो दाखिला है वो शहर में करा दिया। शहर के पास में एक स्कूल था तो वहाँ करा दिया। तो मैं क्या करता था कि जब भी यहाँ घर से जाता था तो रास्ते में कभी चैन तोड़ लेता था साइकिल की। वो जो रास्ता था वो पूरा कच्चा था, मतलब पक्का रास्ता नहीं था, तो क्या होता था पानी पड़ता था, पानी भर जाता था तो उसमें गिर जाता था मैं। तो पापा से बोलता था साइकिल फिसल गई, मैं क्लास नहीं जाऊँगा। पढ़ने में तो मन था ही नहीं। फिर हम क्या करते थे, जैसे अपने खेत वेत में काम करते थे, और हम पापा भैया दीदी सब काम करते थे, लेकिन भैया दीदी का मेन था पढ़ाई करना, मेरा ऐसा मन ही लगता था। तो पापा ने भी ऐसा कुछ नहीं था कि चलो इसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो मैं क्या करता, खेतों वेतों में काम करता था, और जो टाइम मिल जाता था तो क्या करता था, मैं दूसरों खेत में काम करने चला जाता था। उस टाइम 200 रुपये से मिलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, भाई आज हमने पैसे कमा लिए 200 रुपये। फिर अपने खेत में काम करते थे, पैसे नहीं मिलते थे, तो फिर क्या करता था कि जैसे हमारे गाँव का मेला होता था, तो मेला के बगल में मंदिर था, उसके बगल में एक पॉइंट था, तो वहाँ पर सब लोग पैसे फेंकते थे जब मेला में आते थे। तो हम क्या करते थे, चम्मक ले जाते थे और उसको फेंके उससे पैसे निकालते थे। तो कभी कभी पापा बहुत पीटते थे, बोलते ये सब काम नहीं करना, ऐसे घर की मतलब हमारी बेइज्जती करा रहा है तू। मतलब बचपन तो बहुत मस्त था, ऐसा कुछ वो लाइफ में वो था नहीं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस फिजिक्स वाला। और अगर आप अभी 10th पास करके 11th में जा रहे हो और नीट या जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स वाला, जो कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। पीडब्ल्यू से पढ़ के हजारों बच्चे इंडिया के टॉप मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच चुके हैं। पीडब्ल्यू का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। पीडब्ल्यू के 3 मोटिव्स हैं, एसेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। अभी पीडब्ल्यू का कोर्स हिंदी, इंग्लिश एंड बांग्ला में अवेलेबल है, बाकी आने वाले टाइम में तमिल, मराठी, तेलुगु इन सब लैंग्वेजेस में भी लॉन्च होने वाला है। अगर आप अभी क्लास 10th से 11th में गए हो और सोच रहे हो कि क्या करूं, तो क्लास 11th के बच्चों के लिए अर्जुना 2.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये बैच है नीट और जेई दोनों के लिए। और क्लास की बात करें तो वो स्टार्ट हो रही है 8th अगस्त से, और इस बैच का प्राइस जो है वो है ओनली 3300 रुपीज़ पूरे साल भर के लिए। ऑफरिंग की बात करें तो पीडब्ल्यू स्टडी मटेरियल के लिए मॉड्यूल भी प्रोवाइड करता है, कोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल के अलावा टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी जहां आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हो अच्छे से। पीडब्ल्यू जल्द ही सारथी प्रोग्राम भी लेके आ रहा है, जहां पे कि टीचर्स वीडियो कॉल पे 24/7 अवेलेबल रहेंगे, आप उनसे अपने डाउट पूछ सकते हो। पीडब्ल्यू के कोर्सेज को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके टैप कर सकते हो। उसके बाद मेरा कोड यूज जरूर करना ARJ250, और जिसके बाद आपको 250 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। परचेस करो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बचपन तो आपका अच्छे से गुजरा, लेकिन आप पढ़ने में कैसे थे और ये नीट की तैयारी करने का जज्बा कहाँ से आया आपको? पढ़ने में तो मैं बहुत अच्छा नहीं था, बिल्कुल एवरेज से भी लो स्टूडेंट था, क्योंकि मतलब मेरा एक पापा ने 9th क्लास में मेरे को अच्छे से स्कूल में बिठा दिया था, लेकिन मैं 9th में 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया था। तो स्कूल वाले बोले कि अब ऐसा है, हम आप इसको निकाल लीजिए अपने बेटे को, और हम अपने स्कूल की रेपो ख़राब नहीं करना चाहते थे, बोल स्कूल वाले बोल रहे थे। तो पापा ने बोला भाई कैसे भी करके करा लो यार एक बार, मतलब 10th हो जाए बस, इसकी उसको वैसे भी इसको पढ़ना नहीं है। बहुत लोग थे जो मजे लेते थे, पापा से बोलते थे अरे तुम्हारा बेटा तो ऐसे वहाँ घूम रहा था, यहाँ घूम रहा था, और उसका लड़का देखो 10th में उसके 95% आए, ऐसे मतलब लोग बहुत मजे लेते थे। और एक हमारे यहाँ हैं, एक डॉक्टर हैं, उनके बेटे नीट की तैयारी कर रहे थे,
तो पापा बोले देख वो भी कर रहा है नीट की तैयारी, तू भी, मतलब उनको वहाँ से मतलब लगा कि यार इसको भी कराएंगे। सब लोग बहुत मजे लेते थे, जहाँ भी बोलते तुम्हारा बेटा तो पागल है, ऐसा है वैसा है, मतलब पूरे दिन घूमना ये सब करना, मतलब कुछ काम ही नहीं करते थे, पढ़ते पढ़ते नहीं थे। तो पापा को मतलब हर बार पापा की बेइज्जती मेरी वजह से होती थी। फिर उसके बाद पापा ने मेरे को वहाँ भेजा, आगरा भेजा एक साल के लिए टेंथ में, क्योंकि मेरा संगत थी थोड़ा सा वैसा था, गाँव वाली थी, पापा ने उसको पूरा छुड़ाना चाहते थे। तो मैं आगरा गया, भैया दीदी साथ थे। तो आगरा में क्या था कि मेरे को आदत ही नहीं थी शहर की बिल्कुल भी, कि मैं कभी रहा नहीं शहर में। तो गया तो मैं बहुत जोर से गांव बोलता था, तो जैसे हमने किराए पर मकान लिया था तो उसमें बहुत ज़ोर से बोलता था, पूरा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा हो जाता था। तो भैया दीदी बड़ी मुश्किल से मेरे को शांत करते थे। फिर उस मकान मालिक ने हमको वो मकान छोड़ना पड़ा इसी के कारण। फिर दूसरे मकान में गए, एक टीचर के यहाँ मकान लिया था, तो उसमें क्या था मैं वहाँ भी बहुत शोर करता, तो घर वाले सब आते, पापा पापा बहुत समझाते, भाई वो वहाँ से निकाल देंगे, थोड़ा कम, क्योंकि आदत ही नहीं थी। तो ऐसे करके फिर पापा ने मेरे को गाँव का माहौल छुड़ाया। लेकिन पापा को भी ईगो पर बात आ गई थी कि यार मतलब इसको भी यार कुछ ना कुछ तो कराना चाहिए, इतने मजे लेते हैं इसके सब लोग, तो कुछ एक रिस्क तो इस पर लेके देखते हैं। तो उसके बाद पापा ने मेरे को कोटा भेजा। तो पापा को पता था कि ऐसे ऐसे ले जाऊंगा तो ये जाएगा ही नहीं, वहाँ पर पैसे मतलब जमा करके भाग के आ जाएगा, इसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि शुरू से मैं गांव से जुड़ा रहा था, मतलब मन ही नहीं था ऐसे शहर वहर में, मतलब अच्छा ही लगता था मेरे को। तो पापा एक बार ले गए मेरे को, पहले तो पूरा कोटा घुमाया, अच्छे से पैसे खर्च करे, पापा पहले पैसे खर्च नहीं करते थे मेरे पे ज़्यादा। तो मेरे को भी लगा यार कोटा तो बहुत बढ़िया शहर है, एक बार यहाँ रहना चाहिए, पढ़ने ऐसा कुछ नहीं था कि पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को अच्छा लगा था, यहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई तो सब बात की बात थी। फिर पापा ने ऐसे एडमिशन करा दिया, एक रूम भी दिलाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार फ़ोन मिला था हमें, कीपैड फ़ोन था इंटेक्स का, तो मेरे को कभी उससे पहले फ़ोन ही नहीं देखा था, तो पहली बार फ़ोन मिला था हमको। और क्लास में गया तो क्लास में पूरा बाउंस जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा को 11th में तो भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरे नंबर वही 450 आते थे, तो पापा को भरोसा नहीं था। पापा को बस यही था कि थोड़ा सुधर जाए, तो पापा को भी नहीं ऐसा भरोसा था कि डॉक्टर बन ही जाएगा, पापा का ऐसा था कि बस ये सुधर जाएगा, अच्छा इंसान बन जाए, कोटा जाए, मतलब थोड़ा सा इसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। फिर उसके बाद मैं 12th में आया, तो 12th मैंने बहुत मेहनत करी, मतलब कोई शौक ही नहीं था कोटा में, कैसे नए कपड़े खरीदना पहनना घूमना पार्क वार्क में कुछ नहीं था, पूरा बस रूम था और वो था, रूम में पढ़ता था। वहाँ तो मतलब बाल भी कटाने थे, काफ़ी महंगा था कोटा, तो 100 रुपये लेते, तो मैं क्या करता था, 2 से ट्रिमर मांगता था, पूरे बाल बढ़ा देता था। 2 साल कोटा में मैं ऐसे ही रहा हूँ। 12th में आते आते मेरे 600 के पास में मार्क्स आने लगे थे, तो पापा को थोड़ा थोड़ा सा भरोसा होने लगा था कि ये अच्छी कामयाबी की तरफ जा रहा है। नीट हुआ तो थोड़ा नीट में मेरा मम्मी पापा का रोल नंबर वो नाम गलत हो गया था, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 570 मार्क्स थे, 16,000 रैंक थी, लेकिन पापा को इतने मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन पापा इतने खुश हुए थे, बहुत खुश हुए थे। गाँव में आते ही पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला नहीं हो पाया इस बार, तो सब अपने अपने मजे लेने लग गए। अरे मैं मतलब यहाँ वहाँ कोटा के मोटा हो गया था, तो सब बोलते अरे कोई नहीं पैसे खर्च हुए, लेकिन बेटा मोटा हो के आ गया। जो मिलता तो बोलता अरे मेरे पापा को सब मतलब गांव डॉक्टर डॉक्टर बोलते हैं, तो सब बोलते अरे डॉक्टर तेरा पैसा तो इसने बर्बाद कर दिया। अरे मतलब सब अपनी तरह तरह की बात, गांव में निकलने का मन ही नहीं करता था। तो फिर मैं दूसरे दिन ही वहाँ से भाग के चला आया, वहाँ से घर से, मन मतलब मैं वहाँ रह ही नहीं पा रहा था, सब लोग बहुत मजे ले रहे थे। फिर मैं कोटा गया, 2-3 ऐसे समय में था, मतलब ऐसे अपना अकेले रूम में बैठा रहा। फिर मैं सोचा नहीं यार मेरे को एक बार और करनी चाहिए। उस टाइम तो यह था कि अब नहीं करूँगा तैयारी, बस लास्ट था, लेकिन पापा सब ने समझाया, तो मैंने सोचा एक बार और करनी चाहिए मेरे को तैयारी। इस बार सेलेक्ट हो गया मैं, और मेरी 656 मार्क्स थे 2020 में, और 2746 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया। जब सिलेक्शन हुआ तुम्हारा तो कैसा लग रहा था तुमको? काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि सारे हमारे घर पर विधायक सांसद वगैरह सब लोग आए थे, और सब लोग काफ़ी बधाई दे रहे थे। गाँव के लोग, गाँव में मतलब बहुत कम लोगों का पढ़ता, हमारे यहाँ से कोई CBSE में भी नहीं पढ़ रहा, मतलब कोई पढ़ता ही नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम, बहुत सब लोग आ रहे थे। अच्छा, सिलेक्शन के बाद घर का माहौल कैसा था, गांव का माहौल कैसा था, लोग क्या सोच रहे थे? माहौल तो काफ़ी बढ़िया था, सब लोग घर आए, सब ने बधाई भी दी। फिर उसके बाद पापा ने लड्डू बनवाए थे, और गांव में लड्डू भी बंटवाए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब बातें तो हो गई बचपन की और तैयारी की, तो अब एम्स में आ गए हो, तो एम्स में आकर कैसा लगा आपको? एम्स में आके तो काफ़ी अच्छा लगा था, जब आया था तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और यहाँ का ऑडिटोरियम देखा था, तो इतना मतलब बहुत है, और एप्रॉन पहन के तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं साथ में आसमान पे हूँ, मतलब इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी कभी हुई नहीं मेरे को। अच्छा, कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? कॉलेज का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था, मतलब कॉलेज में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ की जो वहाँ नहीं की थी। जैसे पहली बार मैं रेस्टोरेंट में गया, इससे पहले कभी रेस्टोरेंट में नहीं गया था। तो दोस्तों, मेरा बर्थडे आज तक नहीं मना था, तो मेरे दोस्तों ने सब ने मिलकर मेरा बर्थडे बनाया, ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल चीज़ थी जो वहाँ नहीं किया था मैं। और मैं कभी रिजर्वेशन भी नहीं किया था, मतलब कोटा जाता था तो हमेशा जनरल से जाता था, कभी कभी बार तो खड़े खड़े होके, तो इस बार घर वालों ने मेरा रिजर्वेशन कराया, वो भी AC में,
तो काफ़ी मतलब अच्छा है और दोस्त यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, अब इन सब का क्रेडिट किसको देना चाहोगे तुम? देखिए मम्मी पापा वो सब तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरे को दीदी को देना चाहिए, क्योंकि मेरी दीदी ने हमेशा मेरे को पैसा भेजती थी, कोटा में भी था जब भी और आज भी यहाँ भी हूँ तो यहाँ भी, क्योंकि पापा तो ऐसा नहीं है कि कोई जॉब है पापा की तो ऐसा परमानेंट पैसा आता, तो ऐसा कुछ था नहीं। दीदी मेरी पुलिस में है तो दीदी भी आज भी मेरे को पैसे वही भेजती हैं, तो दीदी का काफ़ी बड़ा रोल है। अच्छा, जो भी लोग अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको जब सक्सेस मिलेगी, एक बंदा है जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है और उसको जब सक्सेस मिलेगी तो उसको सक्सेस मिलेगी तो इतना मज़ा नहीं आएगा उसको, बोले ठीक है, लेकिन आप स्ट्रगल कर करके इतनी सीढ़ी ऊपर चढ़ के जब आपको सफलता मिलेगी ना तो आपको इतनी खुशी होगी, वो अलग ही आनंद होगा। मतलब स्ट्रगल के बाद जो मेहनत सफलता मिलती है ना उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको कि लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए इतने संसाधन नहीं है, तो उनको शेयर कर सकते हो वीडियो। सो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।